स्वागत है आपका SFS एकेडमी में। और आज हम पढ़ने वाले हैं हरियाणा का गठन। ठीक है, हरियाणा का गठन कब और कैसे किन परिस्थितियों में किया गया, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सन 1858 से 1858, ठीक है, 1857 की क्रांति के बाद जब अंग्रेज सतर्क हो गए तो उन्होंने अपना जो कार्यकाल जो भी है कार्य है अपना सुचारू रूप से चलाने के लिए हमारे हरियाणा को पंजाब में शामिल कर दिया। ठीक है, कब किया, 1858 में। उसके बाद जो है छुटपुट घटनाएं होती रही। ठीक है, तो बात आती है 1925 में। 1925 में एक सम्मेलन हुआ था अखिल भारतीय मुस्लिम लीग, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का सम्मेलन हुआ था 1925 में दिल्ली में। ठीक है, और इसके जो अध्यक्ष थे, अध्यक्षता कर रहे थे, वो थे पीरजादा मोहम्मद हुसैन। पीरजादा मोहम्मद हुसैन, ठीक है, उन्होंने जो है हरियाणा को पंजाब से निकालकर और दिल्ली में शामिल करने के लिए बात कही। ठीक है, लेकिन उनकी बात पर इतना गौर नहीं फरमाया गया। उसके बाद 1932 में एक और आदमी थे, दीनबंधु गुप्त। ठीक है, दीनबंधु गुप्त, उन्होंने भी इसी मांग को दोहराया, लेकिन उनकी बात पर भी गौर नहीं फरमाया गया। यहां पे बीच में जो है घटनाएं होती रही। 1942 में आपको पता है भारत छोड़ो आंदोलन किया गया। उसके बाद 1946 में जो है हमारी संविधान सभा का गठन किया गया। किस मिशन के तहत, कैबिनेट मिशन के तहत। कैबिनेट मिशन के तहत जो है हमारी संविधान सभा का गठन किया गया। और इसमें जो है तीन आदमी थे जो इसके हेड थे, वो कौन थे, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, और इसमें एक और आदमी थे सर स्टेफोर्ड क्रिप्स। स्टेफोर्ड क्रिप्स, ठीक है, और एक एबी अलेक्जेंडर। ठीक है, इन आदमियों ने जो है हमारी संविधान सभा का गठन करवाया 1946 में। उस समय हमारा संविधान बनना शुरू हो गया। इसी बीच हमारे यहाँ पे क्या हुआ, 1947 में जब हमारा भारत देश आजाद हुआ तो हमारे हरियाणा को जो है पंजाब का ही हिस्सा रहने दिया गया। यहाँ पे एक नई बात आई कि जो पंजाब का कुछ हिस्सा जो है पाकिस्तान के हिस्से चला गया और पंजाब का कुछ हिस्सा हमारे भारत के हिस्से आ गया। जो हिस्सा पाकिस्तान के पास गया उसको हमने कहा पश्चिमी पंजाब, और जो भारत के हिस्से आया उसको हमने कहा पूर्वी पंजाब। तो पूर्वी पंजाब का हिस्सा बना रहा हमारा हरियाणा 1947 में। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि जो हरियाणा जो है वो पूर्वी पंजाब का हिस्सा कब बना, तो 1947 में, जब हमारा देश आजाद हुआ। तो अंतरिम रूप से जो है मुख्यमंत्री, देखो संविधान बनकर पूरा लागू नहीं हुआ था, तैयार नहीं हुआ था, तो अंतरिम रूप से जो है मुख्यमंत्री चुन लिए गए थे गोपी चंद्र भार्गव। गोपीचंद्र भार्गव, तो पहले जो मुख्यमंत्री बने थे पंजाब के, वो कौन थे, गोपीचंद्र भार्गव 1947 में। इसके बाद इन्होंने 1949 तक जो है सरकार चलाई। 1949 में जो है इनकी सरकार गिर गई और एक नए मुख्यमंत्री के रूप में आए भीमसेन सच्चर। यहीं पे मांग चल रही थी अलग हरियाणा की। ठीक है, अलग हरियाणा 1947 से ही शुरू हो गई थी कि हमें अलग हरियाणा चाहिए। 1949 तक जो है कैसे भी करके गोपीचंद्र भार्गव जी ने जो है खींचतान के अपना चलाया। 1949 में भीमसेन सच्चर जी आए, उन्होंने इसका एक नुस्खा निकाला कि भाई, ठीक है, सॉल्यूशन निकाला कि भाई हम दो हिस्सों में बांट देंगे, एक हिंदी क्षेत्र में बांट देंगे और एक पंजाबी क्षेत्र में। ठीक है, पंजाब, अगर पंजाब है तो पंजाब को हम दो क्षेत्रों में बांट देंगे, एक होगा पंजाबी क्षेत्र, एक होगा हिंदी क्षेत्र। लेकिन ये तो किसी बात का सॉल्यूशन नहीं था, तो जैसे तैसे करके इन्होंने जो है खींचतान के आगे बढ़ाई ये बात। 1951-52 में जब इलेक्शन हुए तब भी कौन आ गए, भीमसेन सच्चर, और इन्होंने ऐसे ही चलता रहने दिया। 1953 में अगर हम बात करें, यहीं पे फजल अली आयोग, फजल अली आयोग का गठन किया गया। ये फजल अली आयोग का काम क्या था कि भाषाई आधार पर देश में राज्यों का गठन करना। ठीक है, तो ये आयोग जो है 1955 में हरियाणा भी आया। ठीक है, हरियाणा में जो हरियाणा के लोगों ने अपनी मांग रखी कि भाई हमें अलग हरियाणा चाहिए अपना, तो उनकी बात पर भी ज्यादा गौर नहीं फरमाया गया। और 1956 में
में जब इसने अपनी रिपोर्ट पेश की तो हरियाणा एक राज्य नहीं था, ठीक है, वो पंजाब के अंदर ही शामिल था। तो वहां पे रोष और बढ़ गया लोगों में। और फिर इसके बाद एक और काम हुआ, 1956 में जब जनरल इलेक्शन हुए तो मुख्यमंत्री उभर कर आए प्रताप सिंह कैरो। और प्रताप सिंह कैरो जी ने जो पंजाबी थी वो हर स्कूल में कंपलसरी कर दी कि भाई पंजाबी तो पढ़नी ही पड़ेगी, जो भी पंजाब में बच्चे हैं जो भी सरकारी स्कूल हैं उनमें पंजाबी पढ़नी ही पड़ेगी सबको। तो इस बात को लेकर और गुस्सा बढ़ गया लोगों का और रोष फैल गया कि नहीं भाई हम जो है पंजाबी क्यों पढ़ें, ठीक है, हमें कहीं भी ऑफिस में काम नहीं आनी, कहीं पे काम नहीं आनी, तो पंजाबी हम क्यों पढ़ें। तो इन्होंने भी जो है खींचतान के जैसे भी किया, 1960 में तारा सिंह, ठीक है, तारा सिंह ने भी जो है अपनी मांग को तेज कर दिया, जो पंजाबी सूबे की मांग कर रहे थे, ठीक है, पंजाबी सूबे की मांग कर रहे थे 1960 में, तो उन्होंने भी अपनी जो है मांग तेज कर दी। हो इसी बीच जो है रोष बढ़ता चला गया। और अगर हम बात करें 1965 में ये बात जो है संसद जाके पहुंची और वहां पे एक जो सांसद थे वो अध्यक्ष थे हुकुम सिंह, उनको ये काम जो है सौंपा गया कि भाई हरियाणा को कैसे गठित किया जाए, कैसे नया राज्य बनाया जाए। तो उन्होंने इसको स्वीकार किया और उन्हें अपनी, ठीक है, तो ये मामला गया था सितंबर 1965 में संसद में, और सितंबर 1965 में हुकुम सिंह समिति बनाई गई। उसके बाद इन्होंने सिफारिश की कि भाई हमें जो है एक ऐसे आदमी की जरूरत है जो कानून का ज्ञाता हो। तो उन्हीं की सिफारिश पर एक कमीशन बनाया गया, जेसी शाह कमीशन, ठीक है, जेसी शाह कमीशन का जो गठन है वो अप्रैल 1966 में किया गया, ठीक है, जेसी शाह कमीशन का गठन जो है अप्रैल 1966 में किया गया। और मई 1966 में इसने अपनी रिपोर्ट जो है पेश कर दी। और ये रिपोर्ट जो है सितंबर 1966 में जब संसद पहुंची तो संसद ने इसके ऊपर मोहर लगा दी कि भाई हरियाणा एक अलग राज्य बनेगा। इससे पहले जब राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था, ठीक है, जब हरियाणा राज्य बना तो उससे पहले राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका था, उससे पहले जो मुख्यमंत्री थे वो कौन थे, राम किशन, ठीक है, उससे पहले जो मुख्यमंत्री थे राम किशन। तो यहां पे जब सितंबर 1966 में मोहर लगी कि हरियाणा राज्य अलग बनेगा तो 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य एक नए राज्य के रूप में उभरा। और कौन से नंबर के राज्य में, 17वां राज्य, ठीक है, जो हरियाणा बना वो कौन सा राज्य बना था, वो 17वां राज्य बना था। और भाषाई आधार पर अगर पहले राज्य की बात की जाए तो आंध्र प्रदेश बना था। और कौन से संविधान संशोधन में, 18वें संविधान संशोधन में जो है हरियाणा का गठन किया गया था, ठीक है, 18वें संविधान संशोधन में जो है हरियाणा का गठन किया गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो जिले बने हरियाणा में वो 7 जिले बने थे, उनका नाम है, ठीक है, गुरुग्राम, हिसार, अंबाला, रोहतक, जींद, करनाल और महेंद्रगढ़, ठीक है, ये जो है 7 जिले बने थे हरियाणा के, ठीक है। तो यहाँ पे भी चलो ये था हमने जो पढ़ा है हरियाणा का गठन। और यहाँ पे आगे हम बढ़ेंगे एक एक करके जो है जिलेवार परिचय पढ़ेंगे हरियाणा के बारे में, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। धन्यवाद।